गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 119 और उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो का एक और क्वेश्चन। हम कैश फ्लो के तीन क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हो चुका है, हम आ गए हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला थोड़ा सा और टफ लेते हैं, पहले के मुकाबले थोड़ा सा और टेढ़ा लेते हैं। उसके बाद करेंगे एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, फिर आएंगे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे। सो गाइस स्टार्ट करने वाली आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है कि बिफोर गोइंग थ्रू दिस यू मस्ट नो द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। आप लोगों को कैश फ्लो का फॉर्मेट समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां आती है। अगर ये पता है तो यहां आ जाओ, और नहीं पता तो कहां जाओ, तो यूट्यूब पर जाओ, वीडियो नंबर 114 से कैश फ्लो की स्टार्टिंग है, वो देख लो। सो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 44 टीएस दीवार 2017 एडिशन पेज नंबर 5.105। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस समझना इसको क्या करना है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ के ये टिक लगाना है कि कौन सी चीज कहां आती है। कैटेगराइजेशन की पांच चीजें हम कर रहे हैं, वर्किंग नोट, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। इन पांच चीजों में कैटेगराइज करो, इतना ही काम है क्वेश्चन पढ़ने का, उसके बाद हम क्वेश्चन यहां पे करेंगे। देखो सो क्या करें, अब हम पहले आप लोगों ने कैटेगराइज कर दिया, अच्छी बात है, नहीं करा है तो हम यहां पे कैटेगराइज करवा देते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से वैसे रीड करते हैं, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी कुछ नहीं, शेयर होल्डर फंड कुछ नहीं, आइडिया ना, ये तो शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल कहां आती है, शेयर कैपिटल आती है हमारी फाइनेंसिंग। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे बना हुआ वर्किंग नोट, तो इसका अमाउंट देखेंगे हम वर्किंग नोट में। कुछ नहीं है तो हमने यहां लिख दिया, भाई कहां आता है, भाई तू रिजर्व एंड सरप्लस कहां आता है, सबसे स्टार्टिंग में, क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मॉर्टेज लोन। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या आता है, ये भी फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी एडिंग, इसका ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या आता है, ऑपरेटिंग में। करंट लायबिलिटी कहां आती है, ऑपरेटिंग में। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब यहां आंसर मांग, ये थोड़ा टेढ़ा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्किंग नोट दे रखा है, वर्किंग नोट में आएगा, वर्किंग नोट समझना। पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स, अब बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आता है। मैंने एक चीज समझाई थी, क्या समझाई, प्रोविजन ऑफ टैक्स दो जगह आता है, इस साल का प्रोविजन वर्किंग नोट में आता है और पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स पेड माना जाता है और वो ऑपरेटिंग में से लेस होता है। एक गया वर्किंग नोट में और एक गया ऑपरेटिंग में, ध्यान रखना ये चीज। इसी का सेकंड पार्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड भी इस तरीके से ही होता है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो अगले साल देने वाले हैं हम शायद, ठीक है, वो कहां आता है, वर्किंग नोट में, और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड पेड माना जाता है और वो कहां पे आता है, वो आता है फाइनेंसिंग। ये चीजें याद रखने वाली है। मैंने पहले भी समझाया है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं कि भाई अगले साल कितना टैक्स देना है, तो इस साल जो प्रोविजन बनाया वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो अभी तो कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ इसलिए वो कहां आया, वर्किंग नोट में ऊपर ऐड हो जाएगा। और पिछले साल का जो प्रोविजन है वो क्या होगा, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था टैक्स देने के लिए, इस साल वो टैक्स में चला जाएगा इसलिए वो, या चला गया इसलिए वो माइनस हो गया। सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड, इस साल का प्रपोज डिविडेंड आगे के लिए है, अब तक कोई कैश फ्लो नहीं हुआ वर्किंग नोट में, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग में आएगा क्योंकि वो एक तरीके से डिविडेंड पेड है। ये चीज याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो जिन लोग वर्किंग नोट में उसको हटा देते हैं, ठीक है, आगे देखो टोटल एसेट्स नॉन करंट, ये आ गया टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स भी वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स कहां थे, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग में। Accumulated depreciation, depreciation कहां आता है, नॉन कैश में। Depreciation कहां आता है, नॉन कैश में, पढ़ा है ना हमने। आइए देखो उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहां जाएगी, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएंगे, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल में वो दे रखा है वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट पर आते हैं। दो ट्रेड रिसीवेबल है डेटर और बीआर, दोनों कहां जाएंगे, ये भी ऑपरेटिंग में और ये भी
ऑपरेटिंग में, क्योंकि सारे करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग के ही होते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट ये तो अपना अन्न करता है, आखिर में आएगा, आखिर में छोड़ते हैं। अदर करंट एसेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी वर्किंग नोट, इसको भी यहाँ क्रॉस लगाते हैं। वर्किंग नोट में क्या दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट्स नहीं है ये भी करंट, तो ये भी कहा गए ऑपरेटिंग में। तो हमने क्या करा, कैटेगराइज कर लिया कि कौन सी चीज कहां आने वाली है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछली वीडियो में करा था वही हम यहां करेंगे। हम यहां लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर कैटेगराइजेशन कौन सी चीज कहां जाएगी। तो वर्किंग नोट में, नॉन कैश में, और कहा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। वर्किंग नोट में कितने भाई, एक दो तीन, तीन चीजें हैं भाई वर्किंग नोट में। नॉन कैश में कितनी है, एक ही है। ऑपरेटिंग में कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह, छह चीजें ऑपरेटिंग की है। इन्वेस्टिंग की कितनी है, एक चीज इन्वेस्टिंग की है। फाइनेंसिंग की कितनी है, एक दो तीन, तीन चीज फाइनेंसिंग की है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ये एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि कौन सी चीज कहां आने वाली है। इस ब्लूप्रिंट को लेंगे अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इन क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस देखो, अब हम यहां पे फॉर्मेट बना दिया है हमने, हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया। हमने लिख लिया है भाई वाह, वर्किंग नोट में तीन चीज आने वाली है, नॉन कैश में एक है, ऑपरेटिंग में छह है, इन्वेस्टिंग में एक है, फाइनेंसिंग में तीन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, हम बनाएंगे एक ब्लैंक फॉर्मेट। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, यहाँ वर्किंग नोट की तीन चीजें हैं, तो हम वर्किंग नोट अलग से बनाते हैं। ठीक है ना, आप लोग अलग से बनाना वर्किंग नोट, क्योंकि भाई तीन चीजें हैं तो अलग से ही बनाना बढ़िया है। तो पहले हम बनाते हैं एक ब्लैंक फॉर्मेट, देन करेंगे उसको फिलअप। मैं वर्किंग नोट का छोटा सा ऐसे फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से बनाना थोड़ा सा। वर्किंग नोट या तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बनेगा या बिल्कुल लास्ट में बनेगा, बीच में कभी नहीं आएगा, मेक श्योर पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये बनाया वर्किंग नोट, यहां स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है गाइस, मैं छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, हमारे पास पेज नहीं है जिसको हम पलट लें। ठीक है, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें आता है फिर अपना, क्योंकि यहां वर्किंग नोट हो गया तो घर छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिफोर वर्किंग, सॉरी, इसके बाद अपना आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद अपना कैश फ्लो का, इसमें आता है यहां छह है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा लाइन छोड़ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपना आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट में आता है नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसमें ऐड होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरा लिखना है आपको, और आंसर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, हमने पहले भी किया हुआ है तो वही चीज हम यहां पर दोहराने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें तो देखना, ध्यान से समझ रहे हैं चीज को। हम वही करते हैं जैसे हमने पहले किया था कि हम क्वेश्चन को पूरा आपके सामने रीड करते जाएंगे और रीड करते करते ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले है अपना शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल था 2 लाख का, इस साल भी है 2 लाख का, तो शेयर कैपिटल कहीं नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है
नोट में, नोट में आए क्या है बैलेंस ऑफ पीएनएल, ये कहां पे था अपना वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस एज पर पीएनएल। यहां अमाउंट का कॉलम में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, यहां की क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमें यहां पे करना है। देखो पिछले साल था 20,000, इस साल हो गया 1,25,000, कितने का चेंज आया 1,05,000, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, आगे देखो लॉन्ग टर्म बोराइंग्स मॉर्गेज लोन, लोन तो कितना है लोन, पिछले साल था 50,000, इस साल हो गया 75,000, यानी कि 25,000 का क्या हो गया इंक्रीमेंट, पिछले साल था 50, इस साल हो गया 75, हमने और लोन ले लिया, तो कहां आता है भाई फाइनेंसिंग में आता था अपना एड इंक्रीज इन बोराइंग, ठीक है, बोराइंग बढ़ी है, कितनी बढ़ी है भाई 25,000 रुपए हमारी बोराइंग बढ़ी है, अच्छी बात है। आगे देखो, आगे है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कहां आते हैं भैया, ट्रेड पेबल्स आते हैं हमारे ऑपरेटिंग में, देखो कम हो गए ट्रेड पेबल्स, तो मैंने बताया है लायबिलिटी कम हो रही है तो और कम कर दो, बढ़ रही है तो और बढ़ा दो, लायबिलिटी कम हो गई है 70,000 से 36,000 हो गई है, कितनी कम हुई 34,000 की डिक्रीज आई है, तो यहां पर हम लिखते हैं लेस, क्या है भाई लायबिलिटी कम हुई ना, ट्रेड पेबल्स कितने की चेंज आया है 34,000। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट थोड़ा सजेस्टेड हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमने कोशिश करके करने की। देखो इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये मैंने बताया बहुत टेढ़ा है, देखो हाँ भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन दो जगह कर रहा था, इस साल का प्रोविजन यहां, पिछले साल का प्रोविजन वहां, तो देखो पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इस साल का प्रोविजन है 15,000 जो कि आएगा यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 15,000, और पिछले साल का प्रोविजन कहां जाएगा यहां लेस इनकम टैक्स पेड में जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स पेड में जाएगा, पिछले साल कितना है भाई, पिछले साल का प्रोविजन 10,000 रुपए। अब ये चीज देखना, यहां एक चीज आप लोग समझ लो, क्योंकि यहां पे लास्ट वाली चीज आ गई इनकम टैक्स आ जाता है, ठीक है, तो इससे ऊपर एक लाइन आती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये लाइन मैंने यहां क्यों लिखी है, ताकि हम इन दोनों को डिफर कर सके कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसको बाहर लिख दो, मैं इसको बाहर लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो, इनकम टैक्स पेड कितना है भाई माइनस का 10,000, ठीक है ना। आगे देखो प्रपोज डिविडेंड, तो डिविडेंड का भी यही बताया था, क्या बताया था भाई, इस साल का डिविडेंड तो आ जाएगा यहां पे प्रपोज डिविडेंड 28,000 रुपए, और पिछले साल का डिविडेंड कहां चला जाएगा यहां पे लेस फाइनल डिविडेंड पेड, ठीक है ना, पिछले साल का डिविडेंड कितना था भाई 20,000 रुपए, तो माइनस का 20,000 यहां पे आ गया, समझ में आया ये चीज। आगे देखो, आगे आते हैं उस पर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मैंने बताया एसेट्स कम हो रहे हैं तो बढ़ा दो, बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, तो कम करनी है हमें, बढ़ रही हैं 50 से 72 हो रही हैं, यानी 50 से 72 हो रही हैं, तो हम कम कर देंगे 22,000 रुपए, तो यहां लिखा लेस, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा कंजस्टेड होने लग गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता तो हम इसको बहुत आराम से कर लेते, ठीक है, तो यहां लेस करते हैं भाई, क्या है ये इन्वेंट्री 22,000, यहां मैं लिख रहा हूं इन्वेंट्री, ठीक है, कितना 22,000 रुपए, ठीक है। आगे देखो, आगे है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल देखो, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल है, मैं यहां करके इसको वहां लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है ना, तो मैं यहां कर देता हूं, देखो ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, डेटर्स ऑफ बी आर, डेटर्स और बी आर, डेटर कम हो रहे हैं तो हम उसको बढ़ा देंगे, कितने से बढ़ाएंगे, कितने से कम हो रहे हैं 60,000 से 51 हो गए, यानी 9,000 और बढ़ाना है इसको, और बिल रिसीवेबल भी 15,000 से 0 हो गए तो हमें उसको 15,000 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना बढ़ गया 24,000 और बढ़ रहे दोनों चीजें, मैं दोनों को इकट्ठा करके वहां लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहां लिखा एड
ट्रेड रिसीवेबल कितने 24,000 रुपए जुड़ गए हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है कैश और कैश इक्विवेलेंट जिसका कोई काम नहीं है। लास्ट देखते हैं अपन अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी क्या हो रहे हैं, पिछले साल थे 2000, इस साल हो गए 0, यानी कि 2000 रुपए कम हुए हैं, तो उसको और बढ़ा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 रुपए और यहां पे बढ़ गए। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन। इसमें एक चीज हम छोड़ चुके हैं, वो एक चीज वापस लिखता हूं, भूल गए थे एक चीज, क्या फिक्स्ड एसेट्स वाली। तो फिक्स्ड एसेट्स देखो, फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले है टैंजिबल एसेट्स, पिछले साल थे 2,20,000 के, इस साल हो गए 3,75,000 के, यानी कि बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं भाई, 2,20 से 3,75 हो गए, कितने बढ़ गए 1,50,000, 1,55,000, 1,55,000 बढ़ गए। तो बढ़ गए यानी कि खरीदी होगी, तो लेस टैंजिबल एसेट्स 1,55,000। ठीक है, यहां देते हैं माइनस का 1,55,000। ठीक है, और इसमें लगाया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन देखो पिछले साल था 36, इस साल हो गया 52, तो 16,000 रुपए बढ़ा है। तो डेप्रिसिएशन कहां लिखते हैं, नॉन कैश में एड डेप्रिसिएशन 16,000 रुपए और। तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने एक चीज भूल गए थे बीच में, क्या फिक्स्ड एसेट्स की, तो हमने वो चीज यहां से वापस देख ली। तो हमने क्या करा है, हमने सब चीजों को इकट्ठा करके देख दिया, हमें पता चल गया कि थोड़ी सी कमी हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा कंजस्ट हो गया, वरना पूरा खुल के और अच्छा लगता। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूरा कर लिया हमने, अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग, यहां से टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले इसकी टोटलिंग 0,0,0, 8 और 5, 13 और 5, 18 का 8, हासिल का 1, 3 और 1, 4, 1,48,000। ये क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये कहां आया, ये यहां आया 1,48,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल करा कितना आ रहा भाई, 0,0,0, 8 और 6, 14 का 4, हासिल का 1,5 और 1, 6 और 1, 1,64,000। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। देखो यहां से देखना, पहले इन की प्लस के कितने हैं 24 और 2, 26, माइनस के कितने हैं 34 और 22, कितना हुआ, माइनस वाले सबको माइनस कर दो एक साथ, 0,0,0, 4 और 2, 6 और 3 और 2, 5, दोनों अगर भाई भाई हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन भाइयों वाला ही रहेगा, दोनों नेगेटिव थे तो दोनों जुड़े और साइन नेगेटिव लिया, दोनों पॉजिटिव है दोनों जुड़े साइन पॉजिटिव। अब देखो यहां आ गया प्लस का 26 माइनस का 56, तो मैंने पहले ही बताया पिछली वीडियो में भी कि भाई जब भी ऐसा हो दोनों के साइन अपोजिट हो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या करो पहले नॉर्मली कर दो माइनस, ये हुआ 30। अब दोनों में से बड़ा भाई कौन सा है, ये वाला, तो इस भाई की चलेगी, यानी ये वाला साइन आ गया, तो इसका कितना आ रहा है माइनस का 30। ठीक है, ये कह रहा है यहां हमें निकालना ना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आएगा कितना है 164 में से 30 किया तो 134। ठीक है, प्लस का माइनस इनकम टैक्स पेड, यहां कैच दी लाइन कितना आ रहा है 1,34,000 में से 10 गए तो 1,24,000, ये क्या आया प्लस का आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,24,000, थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इन्वेस्टिंग में देखें क्योंकि नेगेटिव है तो ये बस माइनस का 155 आ गया, और देखो क्या है ये हमारा आ गया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है भाई 155। उसके बाद देखें, उसके बाद देखो फाइनेंसिंग का दो चीजें हैं, प्लस का 25 माइनस का 20, तो इसको चाहो तो ये यहां हमने लिख दिया है, चाहो तो इसको यहां लिख दो या वहां के तुम्हारी इच्छा, ठीक है कहीं भी लिखो, बस हमें तो टोटल बाहर लिखना है प्लस का 5,000 रुपए। ठीक है, आ गया भाई, हाँ प्लस का 5 है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस और कैश और क्लोजिंग बैलेंस और कैश, ठीक है, हाँ भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 59 पिछले साल का, तो यहां लिखा 59, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 33,
ठीक है, यानी पिछले साल 59 था, इस साल 33 रह गया, यानी कि पैसा काम में आया। कितना काम में आया? 26,000 रुपए काम में आया, तो हमारा 26 आना चाहिए आंसर। चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो प्लस वालों को प्लस करो, 1,29,000 और ये कितना हुआ 1,55,000। 155 और 129 ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन। पहले तो माइनस करो, 155 में से 29 गए तो बचे 26। बड़ा भाई कौन है? ये है, कर दो इसकी चलेगी, तो माइनस का 26। चेक करो आंसर सही है क्या। 59 माइनस चेंज इक्वल्स टू न्यू, 59 माइनस 26 इक्वल्स टू 33 आ गया हमारा आंसर। सो गाइस ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, तो ना आता हम नाम किया और फाइनली हमारा क्वेश्चन आज खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये था कि भाई यहाँ पे हमारी जो है जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी, वरना आपको क्या करना है शुरू में लाइन ज्यादा छोड़नी है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी इतनी है, तो हमें यही थोड़ा फंसाना पड़ गया। ठीक है, वरना इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, एस्ट्रो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं, बस हमें क्या करना है, हमें पता होना हमने क्या किया है, हमने यहां से पढ़ा हो छापते गए, या तो इधर छापा इधर छापा इधर छापा, बस छापते गए, लास्ट में ढूंढ कर मैच कर लिया, हम भाई आंसर भी पता है क्या आने वाला, तो कैश फ्लो क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा वीडियो नंबर 119 जिसमें हमने करा कैश फ्लो का एक खासू क्वेश्चन। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, एक वीडियो नहीं कुछ वीडियो और आएगी, जिसमें से एक वीडियो में हम कैश फ्लो का एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेके आएंगे एडजस्टमेंट को। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.socialstruggler.com जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो